तो हम आ गए रोफिरो वैष्णव में। तो यहाँ पे आ चुका है मॉन्स्टर एंडाकोंडा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आया कैसे, वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। हम ये मॉन्स्टर एंडाकोंडा से फाइट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट होगी। लेकिन यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, टकला से हो गया। चलो यहाँ से निकल लो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। बुड्ढा भी टपक गया। चलो भागो भाई, हमारे पीछे तो पुलिस भी पड़ गई। हमने काफ़ी लोग को ठोक के ऊपर का टिकट दिखा दिया, तो लगभग हम पहुंचने वाले हैं टिप्सन के पास। लेकिन यहाँ पे आते आते एक भारी एक्सीडेंट हुआ। ये क्या, ये तो डर के भाग गया, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। भाग गया भाई, अब इन दोनों को टपका दिया पुलिस वाले को। लेकिन भाई पीछे से पुलिस बहुत जल्दी आ गई, ये अच्छा नहीं हुआ। चलो बैठो, बैठ के हम जाएंगे ट्यूशन के पास, उसके बाद हम पूछेंगे वो एंडाकोंडा हमारे सिटी में आया कैसे, क्योंकि वो एंडाकोंडा हमारी सिटी को बर्बाद कर देगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ तुझे पता है क्या, तेरे पास एक न्यू ट्रांसफार्मर आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो ट्रांसफार्मर बाय करके एंडाकोंडा को खत्म करते है, लेकिन उसके पास जाने के बाद ही एक्टिवेट होगा ये ट्रांसफार्मर। तो ठीक है, हम वो एंडाकोंडा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन ये पुलिस वाले तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, तो हम वो एंडाकोंडा के पास काफ़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन ये क्या, इसको हमने ठोका, इसको कुछ हुआ ही नहीं, ये तो हमारी कार के आगे आ गया, हटने का नाम नहीं ले रहा। हट बे हट, नहीं तो पुलिस वाले ठोक बजा देंगे हमको। ओ भाई, ये अभी भी नहीं हटा, लेकिन पुलिस वाले ने हटा दिया, यानी कि टपका दिया उसको। तो चलो, हमारे सामने अभी तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर रोबोट कार भी है भाई, ये तो हमारे ऊपर हमला कर देगा। ये क्या कर भी दिया भाई, लेकिन ये नहीं जानता इसका हालत बहुत बुरा होगा, बहुत डेंजर तरीके से मारेंगे उसको, कुदा कुदा के मारेंगे। ये मारा, भस्म कर देंगे भाई। ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया भाई, हमारे ऊपर बम की गोली फेंकोगे। ये मारा इसको, अब ये जिंदा नहीं बचेगा रोबोट ट्रांसफार्मर कार, अगर ये जिंदा बचा तो हम नहीं बचेंगे। ये क्या, ये तो टपक गया। चलो यहाँ से भागो मिलिट्री बेस में, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे, बहुत मारेंगे ये मिलिट्री वाले पुलिस वाले। तो हमारे सामने है एरोप्लेन, तो चलो ये एरोप्लेन लेके यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं, नहीं तो यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ेंगे मिलिट्री वाले। अब एक आई तो हमारा एरोप्लेन लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इसको खोल के मारेंगे। ये कांच के ऊपर बहुत सारे गोली आरपीजी गन चलाओ, जिससे कि ब्लास्ट हो जाए। ये कब भाग गया पे, पकड़ के मारो, इसको नहीं बचना चाहिए। तो इन्हें क्या लगता है कि ये हमें पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, इनकी हिम्मत नहीं होगी। ओ भाई, ये क्या, यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो चुका है। ये क्या, ये तो पलट गई। ओ भाई, क्या स्टंट है, काफ़ी डेंजर स्टंट है, वो भी एरोप्लेन के साथ में। एरोप्लेन तो नीचे भी नहीं गिरी, लेकिन स्टंट काफ़ी डेंजर हुआ। तो हमारा एरोप्लेन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो चलो इसे फास्ट कर देते हैं। लेकिन भाई पीछे तो पुलिस वाले भी पड़े हुए हैं, जो कि हमारा पीछा करके गोली बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। ओ नहीं, ये क्या हुआ, ये तो फंस गई, पता नहीं कैसे फंस गई, इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलो इसे बाहर निकालते हैं। ये क्या, हम खुद निकल गए। ये वो भाई, ये पुलिस वाले के ऊपर जाके गिरे, हड्डी टूट गई पुलिस वाले की, अब ये हमारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन हमें तो अपना एरोप्लेन निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले भाई, देखते हैं कोई तरीका है या फिर नहीं। ओ भाई चलो चलते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी आ चुका है हमें मारने के लिए। रुको, उससे पहले हम हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करेंगे। क्या हम हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर पाएंगे ये आग की बोतल से, चलो कोशिश करके देखते हैं। तो ये मारा, लेकिन उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो चलो इन पुलिस वाले को नहीं छोड़ेंगे, जो कि जेट पैक पहन के रखा है। ये क्या, ये तो ब्लास्ट हो गया एरोप्लेन, हम नीचे गिर गए। हमें यहाँ से भागना चाहिए, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। जल्दी भागो। अरे
चपनगंज चल जेल में चल, देखो दिखाता हूँ बहुत ऊंची ऊंची इमारत, वहीं पे पटक के मारूंगा, कोई पहचाने नहीं आएगा मेरा बाबू। पटक दे इसको, इसके ऊपर देखते रहे कहीं फैल ना जाए, अगर भागने की कोशिश किया तो उल्टा टांगे मारेंगे। अरे भाई ये पुलिस वाले तो काफी ज्यादा डेंजर है, मतलब कि भाई पकड़ के मारने की बात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तो पैसा है, पैसा दे के हम बाहर आ जाएंगे। तो हमें एंडाकोंडा को खत्म करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हमारे सिटी पे हमला कभी भी कर सकता है, यानी कि जब अब हमला होगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सबको खा पी के खत्म कर देगा एंडाकोंडा, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा डेंजर भी है, तो हमें उसे खत्म करना ही होगा। तो हमें कोई कार भी नहीं है भाई यहाँ पे, जो कि कार लेके हम यहाँ से जाए लोकेशन के पास जहाँ पे एंडाकोंडा था। तो चलो हमें मिल चुकी है ये वाली कार, इसे तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भाई लोग करके आ रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो चलो चलते हैं अपने लोकेशन के पास जहाँ पे एंडाकोंडा था, तो यही कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यही है ना लोकेशन, पता नहीं लगभग हम पहुँच जाएंगे काफ़ी जल्दी, लेकिन हमने काफ़ी लोग को टपका दिया है अपनी कार से, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो हम आ चुके हैं अपने लोकेशन के पास जहाँ पे हमें आना था, मतलब कि भाई एंडाकोंडा यहीं पे था। चलो किसी से पूछ के देखते हैं, ये गुंडे से पूछते हैं, ये बता सकता है। अरे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काटूंगा तेरी वजह से, मेरे भाई को एंडाकोंडा खा गया, तू यहाँ पे काफी लेट आया है, एंडाकोंडा टावर के पास गया है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। तो भाई ये तो पागल हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ, इसके हाथ में गन भी है, यहाँ तक कि तलवार भी है। तो हमने इसको इसके भाई के पास पहुँचा दिया, बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी हो रहा था। तो चलो टावर के पास, क्योंकि वहीं पे है, मतलब कि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, पता नहीं क्यों, यहाँ पे रात भी हो गई काफ़ी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी है भाई, रात के समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी होती है, मतलब कि भाई यहाँ पे चलते हैं टावर के पास, उसके बाद तो देखते जाओ क्या होता है। तो लगभग हम पहुँच चुके हैं, लेकिन सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद तो आने दो एंडाकोंडा को। तो यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे गुंडा है, पुलिस वाला है, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं है, आ जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।